आनंदपुर साहब नूं गुरु साहब सच्चे पातशाह जी ने जदों छड्या ते लगदा इदां है वी अज ते आनंदपुर साहब दीआं गलीआं वी रोंदीआं लगदा है, जाने कि एक फीलिंग हुंदी है। होर कोई गलीआं ने नहीं बोलना, ना कंधां ने बोलना, ना किलिआं घरां ने बोलना हुंदा है। वह तो एक कविता दे विच रूप वह सिस्टम बनाया जांदा है जदों चित्रण हुंदा है ना। हुण जरा ध्यान नाल सुण, जे कोई कवि इस चीज़ नूं गाएगा उन्हें कंधा की गल कर देनी है। जे कोई चित्रकार बनाएगा ना, जी चित्रकार किसी चित्रकार नूं पो कहो भी आनंदपुर साहब गुरु साहब छड़ रहे हैं तो तू इनू चित्रण तेरी चित्रकला दे विच इनू ना बना दे। सुनियो जदों उन्हें बना देना है, जदों उन्हें उन्हूं बना देना है ना, तो उन्हें कंधा रोंदियां बखा देनिया ने, कंधा रो उन्हें बखाना है। जिवें हुण मान लो जदों गुरु साहब ने कहा, ध्यान नाल सुनियो ये टॉपिक नूं, क्योंकि बड़े मुद्दे छेती मुद्दे बड़ी छेती छिड़ जांदे ने, साडी ते इक गल फड़दे रहिंदे है मुद्दे बड़ी छेती। पर वेखियो गुरु जी ने कहा, मलक भागो लोकां दा खून चूसदा है, मैनू कहिंदा गुरु नानक साहब कहिंदे है मलक भागो नूं भी लालो गरीब है, इहदे कोधरे दी प्रशादे विच्चों ना मैनू बड़ा सुकून मिलदा है, इहदे कोधरे दे प्रशादे विच्चों मैनू इहदी हक सच दी कमाई दी महक आउंदी है, इहदा प्रशादा ते लगदा दुध वर्गा ताकत दिंदा है, मेरे मन नूं मजबूत करदा है। ते जेड़ा मलक भागो तेरे आला खाना है ना, मलक भागो जेड़ा तेरे आला खाना है, ये जेड़ियां तू पूड़ियां चुकी फिरदा है ये गरीबां दा लुटिया होया पैसा है, ते तेरियां पूड़ियां विच्चों मैनू गरीबां दा खून नजर आउंदा है, तेरियां पूड़ियां चो तेनू खून नहीं दिसदा, जरा वेख। गुरु जी कहिंदे आ भी मैनू तो खून दिसदा है, गरीबां दे हौके दिसदे है, गरीबां नूं लुट लुट के पैसा इकट्ठा करके ये जिहड़ा तू लग्या पिया भी मैं जी ब्रह्म भोज कीता है, मैनू मलक भागो तेरियां पूड़ियां दे विचों ये मैनू खून दिसदा है, खून अवेख तेनू नहीं दिसदा। जदों गुरु साहब ने अकल दित्ती तो वह भी इदां वेखदा है, सचमुच उहनू भी लगदा है। हुण ये अंदर दी गल है ना, फील हो रहा है। हुण चित्रकार नूं कहा भी बना दे, ते चित्रकार फिर फोटो किदां दी बनाएगा, इदां पूड़ियां दे विच्चों एक चो दुध निकलदा विखाएगा, एक चो खून निकलदा विखाएगा। चित्रकार ने तो इदां ही बनाउणा है, वह क्योंकि उहदी फोटो बोलदी है। असीं समझणा है नुकता, असीं उस नुकते नूं समझणा है भी चित्रकार ने इतिहास नूं चित्रण करता सामने, उन्हें विखाती धार वगदी भी खून वगदा है ते दुध वगदा है, ये विखाया जांदा है। ते जे कंधां दी गल करोगे कंधां रोंदियां विखाएगा, जे उहनूं कोई बना हुण आनंदपुर साहिब छड्ड दे वह कंधां नूं रोंदियां विखाएगा, वह अपने हिसाब नाल उहनूं चित्रण करेगा। ये एक ढंग हुंदा है, ये समझाउण दा तरीका हुंदा है। जदों आपां इस तरीके की गल करते हैं फिर वह इदां हुंदा है भी गुरु साहब ने जदों खून इदां दबाया तो एक चो खून निकल के धारा डिग पी, गुरु साहब के हाथ लिबड़ गए, एक पास्यो दुध की धारा निकल गई, फिर गल इदां दी समझ आ जाती भी इदां होया नहीं, अंदर ही विखाता आखो सतनाम। ये फिर जदों चित्रकार बनाएगा वह इदां ही बनाएगा, चित्रकार जदों बनाएगा वह इदां ही बनाएगा। सो इस करके आओ वह आनंदपुर साहब की गलियां जदों गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह घर छड्डन लगे ना, घर घर छड्डन लगे, चेता करियो जरा। कईआं नूं इत्थे आया नूं अजे तक इंडिया वाले छोटे छोटे घर नहीं भुले, पर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह पोह दा महीना अज गलियां दे विच फिरदे है, आनंदपुर साहब छड्डना है ते इदां लगदा है। एक कवि दी कलम कहिंदी है इदां लगदा है भी अज आनंदपुर दीआं कंधां वी रोंदीआं, माही दे विछोड़े रात आई खैर दी, माही दे विछोड़े वाली रात आई खैर
दी गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी दाता साडे कोलो केड़ा बदला चुकाया है दाता साडे कोलो दस साढ़े प्रीतमा क्यों मुख तू छुपाया ओ दस साढ़े प्रीतमा क्यों मुख तू छुपाया होया कि कसूर होया कि कसूर साथो सजा किस वैर दी होया कि कसूर साथो सजा किस वैर दी होया कि कसूर साथो सजा किस वैर दी गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी जिन्ना गलियां च फतेह सिंह खेडदा जिन्ना गलियां च फतेह सिंह खेडदा उना गलियां च वैरी सप बण मेलदा उना गलियां च वैरी सप वांगू मेलदा जिन्ना गलियां च फतेह सिंह खेलदा उना गलियां च वैरी सप वांगू मेलदा झद्दी नहीं ओ जांदी झल्ली नहीं ओ जांदी गुलामी किसे गैर दी गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी याद आवे जो नवर अजीत तेज जान दी याद आवे यो नावर अजीत तेज याद दी जिना दे सहारे जोंदी रौनक बाजार दी वाह जिना दे सहारे जोंदी रौनक बाजार दी याद आवे यो नावर अजीत तेज जान दी जिन्ना दे सहारे जूंदी रौनक पोतरियां वाले हो पोतरियां वाले हो पुत्रा पुत्रा वाले हो वेखो घर च बच्चे किवें रौनक हुंदे ना घर दी तुहाडी नूं कदे बच्चे लैके पेके चले जाई ना चले जाए किते दस पंद्रह दिन महीना ते घर सारा सुन्ना हो जांदा सुन्ना लगता सारा घर बच्चे किधर गए परिवार किधर गया जी नहीं लगता घर की रौनक चले गई ते आनंदपुर साहब सदा लई वेखो सुन्ना होना है वो जदों तुरन लगे है ना पता है सौखा नहीं हुंदा अपना सारा घर उजाड़ देना है पर की करां
जे ये उजड़ेगा ताई मेरे सिखां दे घर वसणगे। आखो सतनाम आ साडे घर वसाण लई जिहड़िया घरां विच तुसीं बीयर बार बनाए है ये घर वसाण लई, जिहड़े घरां च शराबां दा गंद पाया है ये घर वसाण लई, जिहड़े घरां विच रब याद नहीं जिहड़े घरां दी उहनां घरां दी गल करदे आ अपना घर उजाड़ के कहिंदे इहनां दा घर वसाणा है। कल्ला फोटो ला के नहीं सर जाना घर दे सामने भी आह लाती गुरु गोबिंद सिंह दी तस्वीर मैं, इदां नहीं सर जाना, ये चेता करिया कर इन्हां ने अपना घर उजाड़िया ते मेरा घर वसिया इन्हां करके। केड़ा पुछदा सी सानू, आ दिमाग दिता अकल दिती स्पिरिट भरिया सिख कौम विच जिन्हें अज भारत विचों सिख विदेशों विच आए आ इन्ने होर नहीं आए, थोड़ी जी गिणती विच असीं सब तों वध आए आ, सब तों वध तरक्कियां तुसीं इन्हां देशों विच आ के कीतियां, अपनियां रौनकां खत्म करके उन्होंने साढ़े घर च रौनक लाई है, अपना घर उजाड़ के साढ़े घर वसाए है। जिहड़े घर प्रकाश होना चाहिए सी घर घर गुरु ग्रंथ साहब का सारा टब्बर सवेरे शाम कोल बह के बाणी पढ़ता होना चाहिए सी, अज उन्हां घर बीयर बार बने हुए है। ये किहदा घर है? ये सिख का घर है, सिख का घर है। कितने अज ते शुकराना करना चाहिए सी सानू, वो छपरी च रहन वाला ते भुले, सड़क ते सौण वाला ते भुले, फुटपाथा ते रहन वाले ते भुले, अमरीका दे विच रहन वाला वड्डे वड्डे घरां च रहन वाला भी भुल जाए, एदू वड्डा अकिरत कण होर कौन हो सकता, इन्हां देशां च रह के बंदा भुल जाए। गुरु गोबिंद सिंह दे पारोपकारां नूं साडे वर्गियां नूं तुसीं सुणाओ, असीं क्यों सुणाईए, तुसीं सुणाओ, तुसी बोलो, तुसी इंडिया च जाके सुनाओ सानू, सानू दस्या करो जाके। ओ मूर्खो अकल लो, ओ समझो सतगुरु बड़ा कुछ कर सकता है, सानू बड़ा कुछ दिता है, तुसी भी जुड़ो तुहानू भी देगा। आखो सतनाम, ये तुसी सानू मत्तां देनियां है, सानू अकलां दिओ। साडे वर्गियां नूं कहना पैंदा है हिल गए भाई, हिले पए हैं, इन्हां देशां च आ के हाल वेखी दा हिले पए हैं जी। वेखो हुण आओ, ये गर्म लोहा होवे ते गल करनी बनदी, मैं तां इतिहास चल दे विच तुहानूं रोकिया वी आ जिहड़ी गल इहनूं पकड़ो। सिर्फ कल्ला इदां ही नहीं वी आनंदपुर साहिब छड्डिया, चेता करो तेरे घर दीआं रौनकां, तेरे पुत पोते एक दिन जांदे ने ना छड़ के घर ते सुन्ना हो जाता है, एक दिन बच्चे घरों चले जाण, पोते माड़ा जिहा घरों बाहर कढ़ो वेखियो घर किदां दा लगदा है। रौनक कहिंदे बाजारां दी रौनक जोरावर सिंह फतेह सिंह नाल ही है। फिर पढ़ो, हाँ जी, याद आवे जोरावर अजीत ते जुझार दी, याद आवे जोरावर अजीत ते जुझार दी, जिन्हां दे सहारे जिउंदी रौनक बाजार दी, जिन्हां दे सहारे जिउंदी रौनक बाजार दी, लभदी ना धूड़, लभदी ना धूड़ सानू बच्चियां दे पैर दी, गली गली रोंदी है आनंदपुर शहर दी, गली गली रोंदी है आनंदपुर शहर दी, माही देवी छोड़े वाली रात आई खैर दी, माही देवी छोड़े गली गली रोंदी है।
गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी, गली गली रोंदी आनंदपुर शहर दी।